क्वेश्चन है, विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत कौन होता है? किसका विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत? सभी विटामिन के अलग अलग स्रोत हैं। देखिए, विटामिन जो सी होता है ना, खट्टे फलों में किस पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है अधिकतर। तो अमरूद तो है, लेकिन जब विटामिन सी की अगर बात करें तो अमरूद में भी है, पालक में भी है और सेब में भी, सभी में विटामिन सी पाया जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। बस देखिएगा, बैसिला ऐसे जीवाणु हैं जो क्या करते हैं? आपको बताना है कि बैसिला जो है किस प्रकार के जीवाणु हैं। तो यह छड़नुमा होता है, किस प्रकार से? छड़ के आकार जैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। कामा आकार के अगर बोले तो बिंदी आकार के, गोलाकार थोड़े ऐसे रहेंगे, है ना, कुंडलित में ऐसे ऐसे रहेंगे। तो बैसिला जो जीवाणु होते हैं वो छड़नुमा होते हैं। कैसे होते हैं? छड़ के आकार के होते हैं। कौन? बैसिला जीवाणु किसके आकार के होते हैं? छड़ के आकार के होते हैं। चलिए अगला देखिए, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपको बताना है, कौन सा आगरा शहर? तो आपका जो आगरा शहर दोस्तों, ये किसके नदी है? आगरा शहर जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगर हम साबरमती की बात करें तो अहमदाबाद जो शहर है साबरमती के किनारे है। ताप्ती के लिए अगर बात करें, अगर आपसे पूछेगा सूरत किस नदी के किनारे है, तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। हमसे यहाँ पर पूछा आगरा शहर, तो यमुना के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल नहीं है? बताइए यार, बताइएगा कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। कौन नहीं है राष्ट्रीय पार्टी? तो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, बाकी सभी राष्ट्रीय पार्टी है। तो राजनीतिक कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो तीसरा इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उम्मीद सभी के दिल का दर्द, क्या उम्मीद सभी के दिल का दर्द, यह जो कथन है किसका है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, विलियम शेक्सपियर का है, कि दलाई लामा का है, कि महावीर का है, कि बुद्ध का है। बताइए, उम्मीद सभी के दिल का दर्द यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है विलियम शेक्सपियर का। किससे दोस्तों? यह जो कथन है विलियम शेक्सपियर का। किसका है? विलियम शेक्सपियर का कथन है। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला टेमी चाय उद्यान, क्या सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता है टेमी चाय उद्यान किस राज्य में? बताइए, बताइए किस राज्य में स्थित है टेमी चाय उद्यान? तो यह स्थित है भारत के सिक्किम राज्य में। किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में स्थित है। अगर देखिए आपसे पूछा सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन करता है, तो सबसे अधिक जो चाय है दोस्तों असम में होता है। कहाँ पर होता है सबसे अधिक चाय? असम में उगाया जाता है। नेक्स्ट, डिटर्जेंट किसे कहते हैं? हाँ डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट कहते हैं दोस्तों आपके साबुन रहित साबुन। किसको? साबुन रहित साबुन को बोलते हैं डिटर्जेंट। सेकेंड, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन इधर दिया है, ऑप्शन इधर दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक पदक, देखिएगा इनमें से क्या हो जाएगा? ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, तो प्रथम महिला जो दोस्तों थी कर्णा मलेश्वरी। किनका नाम था? कर्णा मलेश्वरी। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी लोग को एक बार शेयर कर दीजिए जितने भी साथी हैं। देखिए पेपर जो क्वेश्चन है ना रेलवे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सभी एग्जाम के लिए जितने भी एग्जाम होते हैं, हालांकि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस में होती है? तो जल धारण क्षमता जो सबसे अधिक होती है चिकनी मिट्टी में। किस में होती है? सबसे अधिक जो होती है जल धारण क्षमता, क्या जल धारण जो क्षमता होती है सबसे अधिक होती है चिकनी मिट्टी में। किस में होती है सबसे अधिक? सबसे अधिक होती है दोस्तों चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, निम्न सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, बताइए कौन? तो सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे है। क्या है? प्लेइंग इट माई वे। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, क्या सत्य के साथ प्रयोग, तो ये महात्मा गांधी का है। सचिन तेंदुलकर का पूछा क्या है? सचिन का है प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर का है। थर्ड नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट,
मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? देखिए मानव में जो गुणसूत्र होते हैं ये होते टोटल 46, अगर जोड़े में पूछेगा तो आपको बताना 23 जोड़े, कितने जोड़े 23 जोड़े। और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र दो जगह पाए जाते हैं, केंद्रक में और एक डीएनए में। गुणसूत्र जो है ना दो जगह, कितने दोस्तों? तो जो गुणसूत्र है दो जगह पाए जाते हैं, एक केंद्रक में पाया जाता है और एक डीएनए में पाया जाता है गुणसूत्र। तो गुणसूत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? दो जगह, केंद्रक में और डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस स्थान पर एक ब्रिटिश अधिकारी पर हमला करने के लिए हमला करने के जुर्म में मंगल पांडे को 1857 में फांसी की सजा दी गई? बताइए, फांसी की सजा दी गई। तो ये देखा था बैरकपुर में कांड हुआ था ना, उसके कारण से, बैरकपुर में जो बैरकपुर छावनी में जो कांड हुआ उसके कारण मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट, रेडियम की खोज किसने की है? ये आपको बताना है। देखिए ये जो अपन करवा रहे हैं मॉडल सेट, आज जो करवा रहे हैं मॉडल सेट फर्स्ट है क्या आज? आज आपका मॉडल सेट फर्स्ट है। तो ये पेपर के लिए, रेलवे के लिए खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि सभी एग्जाम के लिए जिनमें जीके का क्वेश्चन आता है, साइंस का क्वेश्चन आता है। तो ये रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की जो खोज किया दोस्तों, पीरे क्यूरी और मैरी क्यूरी। किसने किया? पीरे क्यूरी और मैरी क्यूरी ने किया था। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष, देखिए लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष, देखिए लोकसभा की अगर पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार राइट आंसर, लेकिन दूसरी महिला अध्यक्ष पूछा है सुमित्रा महाजन। क्या है? सुमित्रा महाजन। अगर लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो आपको बताना है मीरा कुमार, लेकिन दूसरी महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सुमित्रा महाजन। कहाँ से है? इनका संबंध कहाँ से है? इंदौर से है। कहाँ से है? इंदौर से संबंधित है। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 सितंबर को जिसके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है? किसके किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाते हैं, मतलब इंजीनियरिंग दिवस, किसके बर्थडे पर? तो ये है दोस्तों विश्व सोराया, किसके बर्थडे पर? विश्व सोराया के जन्म दिवस पर मनाते हैं राष्ट्रीय अभियंता दिवस। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व सोराया का जो भारतीय अर्थशास्त्र है, भारतीय अर्थशास्त्र में विश्व सोराया का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक, जो कि है विज्ञान 40 करके। साथियों, विज्ञान 40 जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है, जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है दोस्तों। इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों बायलैंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों, विज्ञान 40 अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं, 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों आपकी विज्ञान 40 है। और परीक्षा दोस्तों 101% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5-6 क्वेश्चन रख लेना है बच्चा, इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा, पूरा साइंस में रख दिया जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चे रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखे गए जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान 40 के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो, तो दोस्तों क्या होता है जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे 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 करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रट जाती है, मौखिक चालीसा रट जाती है। उसी बाद दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। एक मैं ये मानने चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा, पहली बार में आप रटो, रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा, इतना पढ़ के जाओ, आधा आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कर ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान 40, आपको आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक एक क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, 21-22 दिन आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चा। जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सेलेक्टेड बच्चा, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं बस वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखे गए हैं भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा बन लाना फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल दो से तीन क्वेश्चन
आते हैं है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर पूछता है ना, तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा साथियों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा ये 40 आपके लिए, आपको विज्ञान 40 बिल्कुल रट जानी चाहिए, कि क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा, अगर अब आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी का भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव, सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ अच्छे, 30-40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान 40 से जरूर लीजिए आप, देखिए आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम है ना, आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा आपको, क्योंकि क्वेश्चन रटना है बच्चा। अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बैठना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है आप रिविजन करना, आपको बार 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 रिविजन करना, जब तक रिविजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाएँ बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल ही ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे, समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान 40 से आप जरूर ले लीजिए, एक बार ट्रस्ट करके आप विज्ञान 40 से लीजिएगा, यकीन मानिए बच्चा आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान 40 से पढ़ लेंगे तो आप कोई मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफी एक्सपीरियंस हो गया, 7-8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीजें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीजें गलत नहीं देंगे, तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों जो 40 है केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है दोस्तों। हम लोगों ने टीम ने सोचा है कि 40 है कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गुरुकुल प्लस टीम का, तो ये 40 है फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप 40 ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारी प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये 40 लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 885 बन वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी डिटेल है कोई भी आपको समस्या इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए, बच्चा मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए वेकेंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्चा, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइपिस्ट ने टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं, और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। अब जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई है ना, तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको से लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल और केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, इस बार मौका आपको नहीं गवाना है बच्चा। कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए इस बार बिल्कुल ठान लो, तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट 40 आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चे, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी, इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पहले अध्यक्ष जो थे, किसके, बीजेपी के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे बीजेपी के फर्स्ट अध्यक्ष, और 6 अप्रैल 1980 को दोस्तों 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है, कौन, नेपा नगर, तो नेपा नगर जो प्रसिद्ध है न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए, किसके लिए, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए फेमस है कौन, नेपा नगर, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिएगा नेक्स्ट, यह विश्व एक मंच है क्या, यह विश्व एक मंच है और सभी पुरुष और स्त्री एक कलाकार है, ये किसने कहा था, हाँ कौन सा वक्ता, ये जो वाला जो वर्ता क्या, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, यह विश्व एक मंच है और सभी पुरुष और स्त्री एक कलाकार है,
यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया दोस्तों एस यू लाइक इट, किसके द्वारा कहा गया था? एस यू लाइक इट के द्वारा कहा गया था। चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा नंबर। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तिमिथ उत्सव तमिलनाडु में किसके सम्मान में मनाया जाता है? देखिए मनाते कहाँ पर है, तो मनाया जाता है तमिलनाडु में, लेकिन किसके सम्मान में? तो द्रौपदी के सम्मान में। किसके सम्मान में? द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्या मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है कब की गई? तो ये जो स्थापना की दोस्तों 2006 में किया गया था। कब किया गया था? ये स्थापना किया गया 2006 में स्थापना किया गया था। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करते रहिए आंसर। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आंसर करते रहें। पेनिसिलिन जो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक्स है, क्या है? पेनिसिलिन जो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक्स है, इसकी खोज किसने किया है, ये आपको बताना। तो देखिए इसका जो खोज करता है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। कौन है? पेनिसिलिन का जो खोज करता है दोस्तों एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब है। क्या है ये? ये एक एंटीबायोटिक्स है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर। देखिए मैरी क्यूरी की बात करें तो इसको रसायन में 2 बार नोबल मिल चुका है। कब कब? 1903 में और 1911 में। तो मैरी क्यूरी को याद रखिएगा, 2 बार नोबल पाने वाली एकमात्र महिला मैरी क्यूरी है। रसायन में 2 बार नोबल पुरस्कार मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। राइट बंधु द्वारा दुनिया की पहली हवाई जहाज की खोज कब की गई थी? किसके द्वारा? राइट बंधु। राइट बंधु द्वारा पहली बार जो हवाई जहाज की खोज की गई दोस्तों 1903 में। कब किया गया था? 1903 में पहली हवाई जहाज की खोज की गई। नेक्स्ट देखिएगा। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ था 1984 में कांशीराम द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, क्या है दोस्तों? बहुजन समाजवादी पार्टी BSP। तो इसका जो स्थापना है 1984 में किया गया था। कब किया था? 1984 में। किसके द्वारा किया गया था? कांशीराम के द्वारा किया गया था। इस समय अध्यक्ष कौन है? BSP के। तो इस समय बहुजन समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है मायावती। चुनाव चिन्ह क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार शेयर कर देंगे, जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को एक बार सभी लोग शेयर कर दें। निम्नलिखित में से किसमें ओडोमीटर लगा होता है, बताइएगा? ओडोमीटर किसमें लगा होता है? तो ओडोमीटर लगा होता है कार में। किसमें लगा होता है ओडोमीटर? तो ओडोमीटर जो लगा होता है दोस्तों कार में लगा होता है ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग करते हैं, इसको बोलते हैं स्वर्ण युग भारतीय इतिहास में? गुप्त काल को। किसको दोस्तों? जो गुप्त काल है इसको बोलते हैं स्वर्ण युग। क्या बोलते हैं? स्वर्ण युग। गुप्त काल की अगर भाषा पूछता है, गुप्त काल की राजकीय भाषा, तो आपको बताना संस्कृत। बौद्ध की जो अगर पूछेगा भाषा क्या थी, इसका था पाली। अब मराठा का भाषा थी मराठी, जानते हैं। मुगल की जो भाषा थी दरबारी भाषा, वह फारसी थी। क्या थी? फारसी। तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो पूछा किसको भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहते हैं, तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रिंटिंग प्रेस सुरक्षा मुद्रण और प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक प्रेस नहीं है? तो ये कौन एक प्रेस नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों जो इंडिया का लिमिटेड का नहीं है। कौन सा नहीं है? हाँ, ये सभी है। क्या है? ये भी है, ये भी है, ये। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संस्कृत में दिया गया कथन जो है अतिथि देवो भव का क्या अर्थ है? क्या चीज़? अतिथि देवो भव, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों अतिथि भगवान होते हैं। क्या होते हैं? अतिथि, जो अतिथि होते हैं वो भगवान होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। हाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग। अगला, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री सीमा सबसे छोटी है, बताइएगा? किसकी जो समुद्री सीमा है सबसे छोटी है, बताइए? तो यहाँ पर जो सबसे छोटी समुद्री सीमा हो जाएगा पांडुचेरी। किसकी हो जाएगा? पुडुचेरी की जो सीमा है सबसे छोटी हो जाएगी समुद्री सीमा में। देखिए सबसे अधिक
बोला जाए कि सर्वाधिक समुद्री सीमा किसकी है, तो सर्वाधिक जो समुद्री सीमा है गुजरात का है। किसका है? गुजरात का है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रसिद्ध दृष्टिबाधित शतरंज खिलाड़ी है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का प्रसिद्ध दृष्टिबाधित शतरंज खिलाड़ी है, यह है दोस्तों जो दृष्टिबाधित शतरंज खिलाड़ी है दर्पण है। कौन है? दृष्टिबाधित शतरंज खिलाड़ी आपका दर्पण है, फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, कौन कौन सा है जो यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, तो एड्स। एड्स जो होता है ना जानलेवा बीमारी है। एड्स की जांच के लिए क्या करते हैं? एड्स की जांच के लिए HIV, देखिए क्या करते हैं दोस्तों, देखिए एड्स होता है किससे पहले समझ लिए, एड्स होता है HIV वायरस से। किससे होता है एड्स? तो एड्स होता है HIV वायरस से, यौन संचारित वाली जो बीमारी है आपका एड्स है। चलिए, और बाकी आप जानते हैं पीलिया वायरस से होता है, टाइफाइड जीवाणु से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि पोलियो जो है किसके कारण होता है, तो पोलियो होता है वायरस कारण, टाइफाइड किसके कारण होता है, टाइफाइड होता है बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस घटना संबंधित है, भीमसेन जोशी, तो भीमसेन जोशी जो तो किराना घराना से रिलेटेड है, किराना घराना से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, अमेरिकी नागरिक माइकल फ्लेप्स किसके लिए प्रसिद्ध है, तैराकी के लिए। जो माइकल फ्लेप्स है एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी का जो नाम है रिकॉर्ड, माइकल फ्लेप्स, इसके नाम रिकॉर्ड है माइकल फ्लेप्स के, तो माइकल फ्लेप्स किससे संबंधित है, तैराकी से है। किससे रिलेटेड दोस्तों? तैराकी से संबंधित है माइकल फ्लेप्स, फर्स्ट नंबर इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, तो ओम के जो नियम के अनुसार होता है, हाँ देखिए ओम के नियम के अनुसार होता है भी बराबर आई आर होता है। क्या होता है? भी बराबर आई आर। अगर हम आर को इधर ले आए तो भी अपन आर बराबर आई, मतलब धारा बराबर होता है बोल्ट अपन प्रतिरोध। धारा बराबर क्या होता है? तो धारा बराबर होता है बोल्ट अपन प्रतिरोध होता है, ये चीज़ तो याद रख लीजिए, क्योंकि पेपर में ना इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की इनके बहुत ज़्यादा संभावना है। तो विद्युत धारा बराबर वोल्टेज अपन प्रतिरोध। देखिए धारा का अगर आपसे पूछता है मात्रक, तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। वोल्टेज का क्या होता है दोस्तों? हाँ देखिए विभव का होता है वोल्टेज, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक? ओम। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट ऑफ लाइफ किसकी आत्मकथा है, बताइएगा। द टेस्ट ऑफ लाइफ, चलिए बताइए, द टेस्ट ऑफ लाइफ जो है किसकी आत्मकथा है, युवराज सिंह की। किसकी है? द टेस्ट ऑफ लाइफ जो है युवराज सिंह की आत्मकथा है, फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज की खोज करने वाले राइट बंधु का नाम, जिन्होंने हवाई जहाज का खोज किया, देखिएगा हवाई जहाज की खोज करने वाले राइट बंधु का नाम क्या है, तो राइट बंधु का नाम क्या दोस्तों? बिलबाउर और अरावली है। क्या है? बिलबाउर अरावली है, थर्ड नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है, मतलब फलीदार मतलब समझते हैं जिसमें क्या होता है फलीदार, जैसे मूंगफली, जैसे होता क्या मूंगफली, तो मूंगफली क्या है? फलीदार पौधा है। मटर क्या होता है? मटर भी एक फलीदार पौधा है। तो हमसे पूछा फलीदार पौधा कौन है, तो जो मटर होता है ये फलीदार पौधा होता है। देखिए अगर आलू की बात की जाए तो आलू एक प्रकार का तना है। क्या आलू? आलू एक प्रकार का तना है। टमाटर की बात करें तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है टमाटर में, तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट, कनिष्क किस वंश का शासक था, तो जो कनिष्क था कुषाण वंश का शासक था। किसका था दोस्तों? कनिष्क जो था कुषाण वंश का शासक था, फर्स्ट नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मराठा शासन में सर देशमुखी क्या दोस्तों, मराठा शासन में सर देशमुखी क्या है, बताइएगा। मराठा शासन में जो सर देशमुखी है ये क्या होता है, ये आपको बताना है। देखिए सर देशमुखी जो होता है ना मराठा शासन काल में, ये आपका होता है एक प्रकार का राजस्व कर है। क्या है? एक प्रकार का जो सर देशमुखी है ये एक प्रकार का राजस्व कर होता है। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन। निम्न क्रोकस सैटिवस एल का स्टिग्मा है क्या है? तो यह दोस्तों केसर का स्टिग्मा, कौन है? केसर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है? किसे? हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है? कहाँ पर? पश्चिम में। तो इसको जाना जाता है दोस्तों किस रूप में जानते हैं दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा। किसमें जानते हैं? कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था भूट जुलोका जीपर के लिए प्रसिद्ध नहीं है? क्या है? प्रसिद्ध नहीं, तो उड़ीसा प्रसिद्ध नहीं है, बाकी नागालैंड भी प्रसिद्ध है इसके लिए, असम भी है, मणिपुर भी है। नेक्स्ट, जड़ता किसका अनुपातिक है? ये आपको बताता है, बताइएगा जड़ता या जड़त्व किसका अनुपातिक है? तो जड़ता या जड़त्व जो अनुपातिक है दोस्तों आपका द्रव्यमान का, किसका अनुपातिक है? द्रव्यमान का अनुपातिक है जड़ता या जड़त्व। देखिए वजन की अगर बात करोगे ना, तो वजन का अगर मात्रक पूछेगा तो वजन का मात्रक होता है न्यूटन। वजन का पूछ दे, भार का पूछ दे, सभी का न्यूटन है। ऊंचाई का मात्रक पूछ देगा तो मीटर, लंबाई का तो मीटर है ही है, है ना। हमसे यहाँ पूछा जड़ता किसका अनुपातिक है, तो जो जड़ता है वो द्रव्यमान का अनुपातिक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलमिनोलॉजी क्या? फुलमिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फुलमिनोलॉजी में, तो फुलमिनोलॉजी में बिजली चमकना, क्या? फुलमिनोलॉजी में जो होता है बिजली चमकने का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? बिजली चमकने का अध्ययन होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब बिजली की गर्जना होती है तो सबसे पहले हमको प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद आवाज़ सुनाई देती है। क्या होता है? जब बिजली चमकती है तो सबसे पहले हमको क्या दिखाई देता है? सबसे पहले उसका हमको प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद उसकी आवाज़। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि प्रकाश की गति अधिक होती है किसकी अपेक्षा? ध्वनि की अपेक्षा। क्या दोस्तों? जो प्रकाश की गति है वो ध्वनि की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए सबसे पहले हमको प्रकाश दिखाई देता है। क्या होता है? प्रकाश दिखाई देता है इसीलिए। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न देश भर में उत्पादन निर्माण पर लगाया जाने वाला कर है कौन सा? निम्न जो है देश भर में उत्पादन निर्माण पर लगाया जाने वाला कर कौन है? उत्पाद कर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? उत्पादन पर जो लगता है उसको बोलते हैं उत्पाद कर। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्पाद कर। देखिए बिक्री पर जो लगता है तो बिक्री कर लगता है, सेवा पर सेवा कर, और जब दूसरे देश से सामान आता है अपने देश की सीमा पर तो सीमा शुल्क लगता है। एक देश से जब दूसरे देश पर आयात होता है सामान या निर्यात होता है तो उस पर लगता है सीमा शुल्क। चौथा राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देवनागरी लिपि निम्न लिपि से विकसित हुई, बताइएगा जो देवनागरी लिपि है किससे विकसित हुई है, ये आपको बताना है। तो जो देवनागरी लिपि है ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई। कहाँ से दोस्तों? देखिए सभी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। देवनागरी लिपि किससे विकसित हुई है? ब्राह्मी लिपि। जो ब्राह्मी लिपि है सबसे प्राचीन लिपि है। क्या है? सबसे प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कुनैन का एक स्रोत है? सिनकोना है। कुनैन का स्रोत कौन है? तो कुनैन का जो स्रोत है आपका सिनकोना है। क्या है? सिनकोना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक समुद्री बंदरगाह हैं? क्या होता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक समुद्री बंदरगाह हैं? तो यह है दोस्तों आपके महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा समुद्री बंदरगाह है। क्या? सबसे अधिक जो समुद्री बंदरगाह हैं वो आपके महाराष्ट्र में है। सेकेंड इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल किसके शासनकाल में अपने चरम पर पहुँच गया, बताइएगा जो मुगल है किसके शासनकाल में अपने चरम पर पहुँच गया, बताइए। तो यह चरम पर पहुँच दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में जो मुगल है चरम पर पहुँच गया। औरंगजेब किसका लड़का था? औरंगजेब जो लड़का था शाहजहाँ का। किसका लड़का था? शाहजहाँ का लड़का था औरंगजेब। देखिए शाहजहाँ के दो लड़के थे, एक है औरंगजेब, एक है दारा सिकोर, है ना। तो देखिए मुगल शासक के दौरान जो चरम पर था शासनकाल वो औरंगजेब के टाइम पर था। औरंगजेब जो था दोस्तों ये बीड़ा का बहुत बड़ा क्या था? बीड़ा बजाने में माहिर था। और औरंगजेब अगर हम मुग़ल की बात करें तो मुग़ल की जो राजकीय भाषा थी फारसी। कौन सी भाषा थी? मुग़ल की राजकीय भाषा थी फारसी भाषा थी। अगला देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया दर और किसी भी बैंक को इससे कम धनराशि रखने का अनुमोदन प्रदान करना।
अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया दर को हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो वो एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का आधार दर है। क्या दोस्तों? एक प्रकार का आधार दर है। क्या है? आधार दर है एक प्रकार का। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाले जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहते हैं? उस मात्रा को बोलते हैं ज्वारीय आयतन। क्या बोलते हैं? ज्वारीय आयतन बोलते हैं। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, 50 क्वेश्चन का एक सेट है दोस्तों। जितने भी सेट होंगे सभी में 50-50 क्वेश्चन रहेंगे जीके और जीएस से। किससे? जीके जनरल नॉलेज से और जनरल साइंस से। 50 क्वेश्चन टोटल रहेंगे दोस्तों। एक सेट में 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पूरे बुक का सलूशन हम करवाने वाले हैं जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं। चलिए शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, सभी दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक करें। अगर चैनल में पहली बार जुड़े चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसी प्रकार से वीडियो जो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टाइम पर। जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान 40 नहीं लिए साथियों, तो विज्ञान 40 ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए दोस्तों। एकमात्र यही 40 है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि बनलाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों, ये बनलाइनर 40 है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज बनलाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है, तो आपको टॉप 5 या क्वेश्चन रटने बच्चे, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 आप इजीली स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों, कुछ ही समय बाद ये आपको 40 से फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको 40 से नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 से लॉन्च की गई है दोस्तों। 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में 20+ स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो, इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 से लें और अपना साइंस में 25 में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड किया, जो कि बहुत ही शानदार इसका इंटरफेस है। ठीक है, पुरानी वाली एप्लीकेशन से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, नई टेस्ट से मतलब टेस्ट सी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ई बुक मिलेंगी आपको, डेली कोच मिलेंगी साथियों, जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट कोच हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो आप देख लीजिए कोच फॉर्मेट में, चैप्टर वाइज कोई टली हुई हैं। पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे, डाउनलोड अभी आज ही डाउनलोड कीजिए दोस्तों, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आप जैसा कि आप जानते हैं मैं कष्ट की चीज़ें करके चलता हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही सही बताता हूँ जो जो चीज़ें चल रही हैं। साथियों, मैं आपको बिल्कुल कष्ट की बताता हूँ, ताकि आपको एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप 2-4 मिनट का समय दीजिए, 4-5 मिनट का समय दीजिए, ताकि आपको एक एक चीज़ एप्लीकेशन में समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इसके अलावा साथियों, आपको सबसे पहले तो करना है भाई गुरुकुल प्लस ऑफिशियल डाउनलोड, ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है भाई, ओके, देखिए ये है आपकी एप्लीकेशन। देखिए भाई, बताइए कि ऐप कैसी लग रही है भाई। ये है आपकी एप्लीकेशन भाई, तो आपको इसको डाउनलोड करना है साथियों। ठीक है, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा आप। ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल करेंगे साथियों, ओपन का ऑप्शन आएगा, तो आपको ओपन करना, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपको करना है। ठीक है, और साथियों गुरुकुल प्लस के मतलब आपको यहाँ पर एक यू रिव्यू का ऑप्शन आता है, तो बच्चा रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा, 5-स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। और ठीक है, मिलता हम लोगों को पैसा कुछ भी नहीं है रिव्यू से, बस अच्छा लगता है यार भाई, है ना। तो आप 5-स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और रिव्यू करके जरूर बताएं आपको कैसा एप्लीकेशन लगा है। ठीक है, तो सूरज दोस्तों देखिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं, रिव्यू और कमेंट करते हैं, तो हम एप्लीकेशन में और भी चीज़ें इंक्रीज करते रहते हैं, तो काफ़ी आपके लिए और भी फ्री मटेरियल्स आते रहेंगे, नो डाउट दोस्तों। तो आप 5-स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, रिव्यू जरूर करके बताइएगा कैसा आपको एप्लीकेशन लगा है। ठीक है भाई, चलिए इसके अलावा साथियों, जैसे आप एप्लीकेशन, आपको क्या करना है, रजिस्टर और ओपन का ऑप्शन आता है, तो आपको साथियों रजिस्ट्रेशन छोटा सा करना है। ठीक है, तो जैसे ही रजिस्टर करेंगे आप, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना रजिस्टर ओपन वाले ऑप्शन में, मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर वो आप डालिएगा, और पासवर्ड रहता है 123456, वहाँ से आपका डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे, और जो नए बच्चे हैं उनको रजिस्टर करना होगा। चलिए, आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो आप साथियों इस प्रकार से आपका आएगा इंटरफेस।
ठीक है। यहाँ पर आपको साथियों पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जितने भी कोर्स रहेंगे, ई बुक रहेंगे, PDF रहेंगे, सब आपको मतलब यहाँ पर पेड कोर्स वाले में बहुत सस्ती चीज़ें में आपको कोर्सेज मिलेंगे। कोई 99 रुपये का कोर्स है, कोई 199 रुपये का है, मतलब सब आपको कम रेंज में आपको कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर साथियों फ्री कोर्सेज का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज दो हैं, जो एक SSC का, एक आपका रेलवे का है। और भी बहुत सारे हम लोग फ्री कोर्सेज भी डालेंगे इन फ्यूचर। फ्री टेस्ट सीरीज में साथियों आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। फीड वाले ऑप्शन में साथियों आपको यहाँ पर एक मतलब इमेज वाला स्क्रॉल का ऑप्शन रहता है, काफ़ी मोटिवेशनल पोस्ट रहते हैं वहाँ पर, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, यहाँ पर जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, और जॉब के रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स होते हैं सब आपको एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक एप्लीकेशन कुल मिला के एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पर आपको वन एंड सिंगल सॉल्यूशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलें, कहीं आपको और भटकने की आवश्यकता ना हो। कुल मिला के हमारा साथियों यही मोटिव रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स और ई बुक वगैरह मिलेंगी। डेली कोच वाले में आप जरूर अटेंड कीजिएगा, डेली कोच में आपको यहाँ पर मैंने रेलवे और SSC की कोच डाल रखी हैं, जिसको आप अटेंड कीजिए। यूथ पब्लिकेशंस के बेसिक जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर थे वो मैंने क्वेश्चन डाल दिए कोच के फॉर्मेट में। इंस्टेंट डाउट वाला फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है, जो आपको बहुत कम एप्लीकेशन में मिलेगा। साथ ही ये समझ लीजिए एप्लीकेशन बनवाने में लाखों रुपये खर्च हो गए हैं, ताकि दोस्तों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ ताकि आप लोगों के पास काफ़ी बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंच पाए। इंस्टेंट डाउट का साथियों ऑप्शन है, जिसमें आपको किसी प्रकार का डाउट हो आपको केवल फोटो खींचना है, आपका वीडियो सॉल्यूशन में आ जाएगा। काफ़ी बहुत सारी फीचर्स एप्लीकेशन पर आ गए, आप देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है भाई। और इसके अलावा साथियों जैसे ही फ्री कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको SSC CGS CHSL के कोर्सेज मिल जाएंगे, RRB ग्रुप डी के कोर्सेज मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप पेड कोर्स पर मैंने क्लिक किया, साथियों जैसे ही पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको आप डेमो वगैरह व्यू डेमो देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं कैसे क्या कोर्स है, कितने ड्यूरेशन रहेगी, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाय नाउ में आप ले सकते हैं कोर्स को, ठीक है। साथियों मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, जो फ्री टेस्ट सीरीज वाला पोर्टल था उसकी बारे में बात करते हैं। अब आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर चले गए तो बच्चा टेस्ट सीरीज रेलवे की टेस्ट सीरीज डाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। SSC की पीड टेस्ट सीरीज, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फीड का एक ऑप्शन था, इसमें फीड का ऑप्शन था, फीड में आपको साथियों बेसिकली आपको ये फीचर्स मिलेंगे, मतलब आपको स्क्रॉल करना होगा, आपको काफ़ी मोटिवेशनल क्वोट्स मिला करेंगी डेली, जिसको आपको स्क्रॉल करना होगा। एक हिसाब से इंस्टाग्राम का जो आपका रील्स वाला फीचर्स है वो वाला है, वो इमेज उस पर आपका लोड रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें साथियों आपको मिलेंगे, करंट अफेयर की भी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो बहुत सारे हम लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारी टीम लगी ताकि आपके लिए बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सके, ठीक है। और मोस्टली कंटेंट है हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है, पेड वाला कंटेंट इसलिए डाला ताकि हम लोग यार टीम का खर्च मतलब चार्ज सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें एप्लीकेशन का। मिनिमम शुल्क में कोर्सेज रखे हुए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। डेली कोच वाले ऑप्शन पर साथियों आपको यहाँ पर लेटेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का ऑप्शन आता है। अब डेली कोच वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो साथियों आपको यहाँ पर बेसिकली कोच मिलेंगी, रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर MCQ, जिसको आपको अटेंड करना है हर हाल में। जितने भी प्रीवियस ईयर 2018 हुए, 2016, 2021 के रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन सब इसमें आपको मिल जाएंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी डले हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अटेम्प्ट आपको करना है, पता लगाइए आखिर इसके में आपका कितना स्कोर हो रहा है। बाकी और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके और इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और ऐप में बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं, अभी आपको इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर मिलेंगी, नो डाउट। यहाँ पर आपको GK कोच में मिल जाएंगे, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट है, जो कि आप देख सकते हैं, फ्री में मटेरियल बहुत सारा आपको मिल रहा है। अब इंस्टेंट डाउट की बच्चे हम बात करें, इंस्टेंट डाउट वाला जो कि फीचर जो बहुत ही पॉपुलर था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला फीचर्स जो कि साथियों ये बहुत पॉपुलर है, आपको और एप्लीकेशन पर कहीं नहीं मिलेगा इंस्टेंट डाउट वाला ऑप्शन। इसमें साथियों ये बहुत ही कम एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा, और बेसिकली हम लोगों का डाउट नेट वालों से कोलाब्रेशन हुआ है। और आपको बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको क्लिक एंड आपको कोई भी बुक रहेगी, बुक की आपको इमेज फोटो खींचना है। आप जैसे ही साथियों फोटो खींचेंगे आपको वीडियो फॉर्मेट में क्वेश्चन पूरा आ जाएगा सॉल्यूशन उसका, ठीक है। और आपके अगर गैलरी में फोटो हो तो उसमें अपलोड कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा वीडियो फॉर्मेट में, 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंस्टेंट डाउट वाला फीचर्स काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आप लीजिएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के साथियों हम लोगों का एक मोटिव था कि आपको एक एप्लीकेशन बच्चे को दी जाए जिसमें सारे फीचर्स मिले। बच्चा होता है, अक्सर होता है कि जॉब अलर्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि हम लोग मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं, मतलब ऐसा होता है जैसे एग्जाम आपका जो नज़दीक हो रहे हैं, आप सरकारी रिजल्ट नहीं खोल पा रहे हैं, तो बच्चा जॉब अलर्ट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ताकि मैं आपको रिमाइंडर देता रहूँगा कि कब एग्जाम आ रहा है, सब हम लोग फीचर्स आप लोगों के लाए हुए हैं। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए एप्लीकेशन पर, आप रेटिंग रिव्यू जरूर कीजिएगा, 5-स्टार रेटिंग जरूर करें, सो दैट मैं एप्लीकेशन पर और अच्छा मेहनत करूं और आपके लिए कंटेंट लाऊं। रिव्यू करके आप लोग जरूर बताइएगा कैसा एप्लीकेशन लगा है आपको, बहुत स्मूथ एप्लीकेशन चल रहा है बताइए आप। इसके अलावा एक हम लोग सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन भी लाए हैं, यहाँ पर होम वाला फीचर्स है, एक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला ऑफर
सब्सक्रिप्शन वाला है और एक यहाँ पर माई कोर्स है। जैसे ही आप कोई भी कोर्स लेंगे तो आपको माई कोर्स वाले ऑप्शन में सारे कोर्सेज दिखेंगे बच्चे। यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएंगे कोई भी वीडियो पीडीएफ वगैरह सब आपकी यहाँ पर डाउनलोड आपको दिखेंगी। कोई भी आपको डाउट होगा इस हेल्प वाले नंबर हेल्प पर क्लिक कीजिएगा, आपको आपको सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, अब आल इन वन सब्सक्रिप्शन दोस्तों हम लोग लाए हैं जिसमें आपको साथियों बेसिकली दो वैलिडिटी मतलब दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक आपका 999 रुपये का है, एक आपका 1499 रुपये का है। 999 वाला आपका 6 महीने के लिए, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल के लिए है। साथियों कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि 1499 रुपये का है जिसमें आपको साथियों एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको मतलब लगभग जितने भी मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन में कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, भले ही आपके साथियों विज्ञान चालीसा हो, कुछ कोई भी प्रकार की आपकी ई बुक है जो पेड है, वो सब आपको साथियों इसी सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। मतलब कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जहाँ पर आपको गूगल प्ले एप्लीकेशन का सारे कंटेंट आपको वहाँ पर मिलेगा जो कि केवल और केवल 1499 रुपये आपसे लिया जा रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे आपको, पैनल पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे, ई बुक, टेस्ट सीरीज, मतलब कुल मिला के जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन आपको कंटेंट रहेगा सब आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है। ठीक है, तो बहुत कम मतलब आपको कम फीस में आपको दिया जा रहा है। साथियों अभी इन फ्यूचर हम लोग और भी चीज़ें ला रहे हैं, एसएससी सीजीएल की कोर्सेज और जितने भी इन फ्यूचर से रेलवे का कोर्स आया, आपका मैथ का रेलवे का रीजनिंग का कोर्स आया, मैथ का कोर्स आया, सारे कोर्सेज साथियों आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। पीसीएस का भी अगर कोर्स आएगा एप्लीकेशन में तो आपको पीसीएस का कोर्स भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन में कोर्स आते रहेंगे 1 साल के अंदर, वो आपको सब मिलेंगे। अभी आपको 20 से 22 कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा है सब्सक्रिप्शन, तो इसको आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको इंक्वायरी हो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया कि एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, साथियों आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आप कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल के बाद रजिस्टर आपको करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है बस, आपको छोटा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट हो और आप व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दीजिएगा। 8851 ये वाला नंबर है हमारा, 8851529691 वाला। ठीक है, आपको रिव्यू साथियों जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और जरूर बताएं एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। रिव्यू और रेटिंग और रिव्यू जरूर आप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।